टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जिस बाप की उंगली पकड़कर बेटों ने चलना सीखा हो और बड़े होकर वही बेटे अपने बाप का सहारा बनने के बजाय उनके सर से छत छीन ले, सड़कों पर उन्हें दो वक्त की रोटी के लिए भटकने के लिए छोड़ दे, तो लानत है ऐसे औलादों पर। मगर कुछ ऐसा ही मामला गोंडा के धानेपुर से सामने आया है, जहां चार कलयुगी बेटों ने अपने 74 साल के बुजुर्ग पिता हरि प्रसाद को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। जिन बच्चों को बड़े ही लार प्यार से पढ़ाया लिखाया, तीन बेटों को बैंक में नौकरी दिलाई, एक बेटा बिजली विभाग में कार्यरत था, मगर ये कलयुगी चारों बेटे अपने बाप को घर से निकाल दिए। अपने पिता को घर से निकालते वक्त न ही इनके हाथ पैर कांपे और न ही इनकी आंखों में आंसू आए, मानो इनके अंदर की इंसानियत ही खत्म हो चुकी थी। मगर एक बेचारा बेबस बाप कहाँ जाए, किससे अपना दर्द बयां करे। मगर इस बुजुर्ग पिता ने अपनी फरियाद गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा से सुनाई और खुद संतोष मिश्रा अपनी टीम के साथ इस बुजुर्ग को लेकर उनके घर पहुंचे। और जब संतोष मिश्रा का हंटर चला तो उनके आगे ये चारों बेटे पिता को घर में रखने के लिए राजी हो गए। पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा की इस सराहनीय काम के लिए चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही है। वहीं चारों बेटों को हिदायत भी दी गई है कि अगर दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत की तो उन्हें हवालात की शैर करनी पड़ी। पारिवारिक समस्या रहा, हमको घर में रहने नहीं देते थे, दाना पानी नहीं देते हैं, लेकिन आज साहब के आने से सब लोग सहमत हो चुके हैं। साहब तो हमारे देवता के तुल्य हैं। ये साहब व्यक्ति को आपने कुछ मामला आया है तो आवाज़ दिलाने को लेकर क्या है वो? आज एक 75 वर्षीय बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जन सुनवाई जनता दर्शन के दौरान आज एसपी ऑफिस में आए थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके चार लड़के हैं और चारों लड़कों ने उनके साथ मारपीट करके उनको घर से निकाल दिया है। इस सूचना पे थाना धानेपुर की टीम को लगाया गया था और उसके बाद मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनसे वार्ता भी की गई और उनसे उनके जो लड़के हैं उनको समझाया भी गया और आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई वो भी करने की बात इनको कही गई। जो पारिवारिक विवाद था और परिवार के द्वारा बच्चों के द्वारा ये भरोसा दिलाया गया कि जो पिता है उनको एक कमरा दिला दिया गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करा दी गई है परिवार के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ जो स्थानीय थानाध्यक्ष हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं 75 साल के उनको किसी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और जो हमारे ये सीनियर सिटीजन है उनके द्वारा पुलिस का आभार भी व्यक्त किया गया और उसके द्वारा संतुष्टि जारी की गई है। तो भविष्य में और लोगों को मैसेज देना चाहते हैं जो बुजुर्ग हैं, जो उनके जो बच्चे उनके ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से अगर चार बेटे हैं और चारों बेटों के द्वारा अगर पिता जो 75 वर्ष के हैं उनको निकाल दिया जाता है तो एक ये दुखद घटना है और इसीलिए इसको संज्ञान लेते हुए मेरी जो फोर्स है और मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और आगे भी जो हमारे सीनियर सिटीजन है वृद्ध जो लोग हैं उनके साथ अगर जाती होती है किसी भी रूप में पारिवारिक या अंतर भी, उसमें भी पुलिस इसी तरीके से सक्रिय रूप से न्याय दिलाने का उनका प्रयास करेगी और मूलतः ये एक पारिवारिक विवाद होता है तो पारिवारिक विवाद को आपस में बैठा के उसको सॉल्व कराना बहुत ही आवश्यक है, जो कि आज पुलिस के द्वारा कराया गया है।